हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जैसे हूँ, जैसे काम करती हूँ ना, वैसे ही आ जाती हूँ आप लोगों के सामने। फिलहाल पहले मैं थोड़ा सा तैयार होके, जब नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया था, थोड़ा सा तैयार होके सज धज के फिर आती थी वीडियो बनाने। पर अभी इतना कुछ करने का टाइम भी नहीं है और एज भी मेरा नहीं रहा। मतलब एज के हिसाब से ना, मुझे लगता है थोड़ा चेंज हो ही जाते हैं और बिजी लाइफ में थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, मेरा मन भी नहीं करता कि तैयार होऊं फिर आऊं। पहले अभी काम को इम्पोर्टेंट देती हूँ, उसके बाद खुद को। तो पता नहीं बाद में एहसास होगा शायद कि पहले मैंने मतलब अपने तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अभी तो वक्त चला गया। तो चलो ये सब बातें पुराना है, अभी मतलब जो मेन है उस पे आते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आप सबको एक डार्क कलर दिखाऊंगी। यहाँ पे जो आप लोग केक देख पा रहे हैं, ये एक पिंक केक है, ठीक है। तो इस पिंक केक को हम डिजाइन करेंगे और थोड़ा सा, ये लाइट कलर यूज किया है मैंने, और इसमें और थोड़ा सा डार्क कलर लाने के लिए तो एक कलर मिक्सिंग करूंगी। एक यूनिक कलर, मतलब लेवेंडर टाइप का होगा। मम्मा आवाज कुर्बाना, तो लेवेंडर टाइप का होगा, तो उसको डार्क लेवेंडर में लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है कलर। तो कलर मिक्सिंग मैं दिखाऊंगी अभी इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने क्रीम ले लिया है, वाइट क्रीम, थोड़ा थोड़ा पिंक गया है जो इसमें किया था। तो यहाँ पे भी मैं पिंक कलर लूँगी, बहुत सारा पिंक लूँगी, अभी दिखाऊंगी मैं। पहले बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। उसमें ऐड करूँगी पर्पल कलर, बिल्कुल थोड़ा सा पर्पल कलर, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा डार्क बनाने के लिए। तीन से चार बूंद हम यूज करेंगे पर्पल कलर। और ये जो पर्पल कलर है, ये जेल बेस है, मतलब सेमी जेल बोल सकते हैं, प्रॉपर जेल नहीं है, तो सेमी जेल है। और जो पहले मैंने पिंक डाला वो लिक्विड है, तो लिक्विड लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है, उतना ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होता है। तो ये दो कलर गया मेरा। और अभी मैं क्या ऐड करूँगी, ब्लू कलर। तो पिंक गया, पर्पल गया, और अभी ब्लू कलर जाने वाला है। फिर मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का कलर बनता है। तो चलिए पहले दिखाई देती हूँ, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न होगा जब मिक्स कर दूँगी तो कितना मैंने क्या लिया था, वो शायद कन्फ्यूज कर सकते हैं आपको। तो मैं दिखा दे रही हूँ बैक कैमरे। देखिए पिंक कलर, और ये जो डार्क वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है पर्पल। तो तीन से चार बूंद मैंने पर्पल कलर यूज किया है और ज्यादातर पिंक। और ये अगर आप जेल ले रहे हैं पिंक, तो बराबर भी डाल सकते हैं, पिंक मेरे हिसाब से ज्यादा डालेंगे तो ही सही रहेगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट वाला है, लेकिन पहले मैंने बनाया है तो उसी हिसाब से मैं जा रही हूँ। पता नहीं, एक एक बार एक एक, जैसे मैंने एक बार बनाया था तो अभी इसमें ब्लू डालते हैं, ठीक है। तो दो तीन बूंद मैंने ब्लू डाल दिया, तो ब्लू भी लिक्विड ही है, ज़्यादा लिक्विड नहीं लेकिन मतलब लिक्विड ही है, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का है। तो पहले जब मैंने बनाया था ये पर्पल कलर, मतलब ये वाला कलर, तो इस तरह से तीन कलर को मिक्स करके किया था। और उसके बाद अभी आज कैसा होगा पता नहीं। इससे पहले मैंने एक कलर को बनाया था, दो तीन कलर मिक्स करके, उसके बाद नेक्स्ट जब मैं बनाने गई थी सेम कलर को लाने के लिए, तो उस टाइम मुझे थोड़ा अलग ही कलर मिल गया था, क्योंकि रेशियो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इस वजह से अलग कलर आ सकता है। तो अभी देखना है कि ये वाला कलर कैसा आएगा। तो यहाँ पे मैं कलर मिक्सिंग करके दिखा रही हूँ आप सबको, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के ना पूरा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो आई होप कि मेरे ख्याल से दिख रहा है। ये देखिए, ये एक लेवेंडर कलर आ गया। तो आप चाहे तो कलर मिक्सिंग का एक सीक्रेट आप बोल सकते हैं इसे, तो इसे एक सीक्रेट आप टिप्स यूज कर सकते हैं। मेरे ये टिप्स जो मैंने दिया है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस वाले कलर से भी केक बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, स्पेशली गर्ल्स वाला जो केक बनते हैं, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। वेनिला केक के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेवेंडर टाइप का आ गया, इसे मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम कलर, तीन कलर मैंने यूज़ करके ये वाला कलर लाई हूँ, तो सेम और तीनों कलर को यूज़ करूँगी थोड़ा सा और इसमें ऐड करके। तो चलिए पहले ऐड कर लेते हैं।
आपको कौन सा कलर देखना है मेरा इंस्टाग्राम में जाके, अगर पर्सनली कोई कलर मिक्सिंग देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कीजिए, मतलब वो कलर का फोटो देके मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, तो वो कलर मैं चूज करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो कलर मिक्सिंग होगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा करके तीनों कलर को हम लेंगे और थोड़ा करके इस बार, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्पल वाला आ गया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इस बार क्या करूँगी, ब्लू कलर को थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी दूसरे कलर के हिसाब से, और पिंक भी डालूँगी। तो अभी मिक्स करते हैं, देखते हैं कैसा हुआ। ये डब्बा सामने था, मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया, डब्बे की वजह से दिखा नहीं है ना। तो ये देखिए अभी मिक्स, यस मैं ऐसा ही कलर चाह रही थी। तो इसमें आपको ब्लू कलर को थोड़ा सा दूसरे कलर से ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी आपका ये कलर आएगा, नहीं तो वो पर्पल पहला जो आया था पर्पल का ज़्यादा दिख रहा था। और इस तरह से कलर मिक्सिंग करके जब आप केक की डेकोरेशन करेंगे, उसके बाद एक दिन मतलब 24 घंटे रख देंगे, मतलब आज बनाए और कल देखेंगे ना, तो उसका कलर का जो वाइब्रेट होने लगता है, वो कलर वाइब्रेट करने लगता है, मतलब शेड बहुत, जो तीनों कलर आपने मिक्स किए तीनों शेड जगह जगह पे निकल के आता है, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है, मतलब उसका खूबसूरती भी अलग ही होता है। तो मेरा ये जो मैंने कलर चाहा वो कलर आ गया। तो इस तरह से थोड़ा सा रेशियो को भी इधर उधर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का कलर मिक्सिंग। तो मैंने प्रॉमिस किया था इससे पहले भी कि कलर मिक्सिंग का वीडियो मैं लाऊंगी, लेकिन टाइम के चलते मैं नहीं ला पा रही थी। तो अभी स्टार्ट करूंगी मैं फिर से कलर मिक्सिंग दिखाना आपको। तो जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मतलब कलर मिक्सिंग में दिक्कत आता है, उन्हें पता नहीं होता है कौन से कलर के साथ कौन सा कलर हमें मिक्स करना है। तो ये वाला आप जो कलर देख रहे हैं, तो ये वाला कलर मैंने आज मिक्स करके दिखा दिया। तो बिगिनर्स अभी चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट तो कर सकते हैं कमेंट पे, लेकिन फोटो पोस्ट आई थिंक नहीं होगा कि कौन सा कलर करेंगे, मतलब कलर चाहिए आपको मिक्सिंग देखना है तो कौन से कलर की मिक्सिंग देखना है, तो उसमें आप काम करेंगे बिगिनर्स हो या जो भी है, जो भी कलर आपको देखना है कलर की मिक्सिंग, न्यू कलर लाना है, तो वो आप इंस्टाग्राम में मुझे @lakshmishah369 उसमें जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कलर वाला फोटो को पोस्ट कर, मतलब मैसेज में जो जो कलर आपको देखना है वो कलर आप मुझे मैसेज कीजिए फोटो विथ फोटो, ठीक है, और वो कलर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को किस तरह से मिक्स करके लाना है। तो ये रहा आज का वीडियो। तो चलिए ये वाला केक का डेकोरेशन भी मैं इसी में शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको पता चले कि कैसा दिखता है केक को डिजाइन करने के बाद इस कलर के साथ। ये देखिए एक हाथ से मैं नहीं कर पा रही थी, ट्राइपॉड भी उधर रखा हुआ है दूर में है, तो जल्दी जल्दी करना है मुझे आज का काम, हाथ दिवाना। तो ये देखिए डार्क लेवेंडरिश एक कलर है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये वाला कलर आप अपने केक के लिए ट्राई कर सकते हो। ये वाला केक का मैं दिखाऊंगी और वो वाला केक मैं बंगाली चैनल के लिए बनाऊंगी, यहाँ पे आप गंदा मत सोचिएगा। ये जो केक का क्रम क्या बोलते हैं ऊपर वाला पोर्शन है, वही है जो लोग काम करते हैं उन्हें पता होगा कि ये सब हम कट करके फेंक देते हैं, ये नहीं रखते। और ये जो एक बेंटो केक का ऑर्डर था, तो उसका साइड से मैंने क्रम निकाला था और एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हाइट हो रहा था, उसका हाइट भी थोड़ा सा लेयरिंग करके कम किया है, तो ये वाला तो मुझे काम में मेरा आ जाएगा। और ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं, इसमें ही मैं केक बनाती हूँ, इसमें अदर कुछ सामान वगैरह कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो जब तक मैं काम करूँगी, साफ करके काम करती हूँ, फिर काम होने के बाद ये सब सारा चीज़ें मैं साफ कर लेती हूँ। तो ये तो मेरा पेस्ट्री में चला जाएगा, जो 10 रुपीज़ वाला पेस्ट्री होता है मेरा, और ये तो एक केक बनेगा, ठीक है। तो शायद मैं उसको बटर स्कॉच बनाऊँ या फिर पाइनएप्पल जो भी है। तो इसका केक का डेकोरेशन मैं आप सबके साथ शेयर कर देती इस कलर के साथ। इस पर मैं क्या करूँगी मुझे खुद को नहीं पता, फिर करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो डिज़ाइन बन ही जाएगा है ना। तो इस तरह से
कर देते हैं हम 3 और यहाँ पे कुछ कर देते हैं फ्लावर्स, रोज जैसा बना देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस इतना ही। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बटरफ्लाई ऐड कर दूंगी। यहाँ पे एक बटरफ्लाई, यहाँ पे एक बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये रहा, कितना खूबसूरत एक कलर कॉम्बिनेशन है। अभी इसमें थोड़ा सा बॉल ऐड कर देते हैं। तो ये रहा आज का स्ट्रॉबेरी केक। तो ये स्ट्रॉबेरी केक है बोल के मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन किया है। तो ये वाला कलर आप कहीं भी किसी भी केक के ऊपर आपको जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हैं। बस मेरा मेन मोटिव था कि ये वाला कलर मिक्सिंग मैं करके आप लोग